तो चेरीज मेरे पास खत्म हो गई थी, तो मैंने इस पे ना। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब। मेरी दुनिया की झलक में आप सबका स्वागत है। तो आज ना मैं कोई व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं आपको कोई अपने मेरे घर के कोई फूल पौधे पत्ते दिखा रही हूँ। और आए तो काफ़ी सारे फूल हैं, तो वही मैंने सोचा कि इतने सारे फूल खिले हैं, लेकिन अब मैं वही वही बताऊँगी ना तो सब लोग बोर हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं वो अभी आपको कुछ नहीं दिखा रही हूँ। तो आज ना मैं कपकेक्स का प्रीमिक्स बनाकर स्टोर करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आप लोगों के साथ में ना ये वाली रेसिपी ही शेयर कर लेती हूँ कि मैं किस तरह से चॉकलेट कपकेक्स के लिए पहले से ही प्रीमिक्स रेडी करके रखती हूँ, ताकि ना फिर जब मुझे ऑर्डर आता है ना, तो ऑर्डर का कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी आ जाता है, तो फिर उसे क्या प्रीमिक्स अगर मेरे पास रेडी होता है ना, तो मुझे बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मैं बस खाली प्रीमिक्स लेती हूँ और फटाफट से उसका बैटर बना के कपकेक्स बन जाते हैं, यानी बहुत ईजी हो जाता है मेरा काम। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ में भी ना ये रेसिपी शेयर कर लेती हूँ कि मैं किस तरह से अपना चॉकलेट कपकेक्स के लिए प्रीमिक्स बनाकर पहले से तैयार करती हूँ। तो चलिए फिर आप लोग मेरे साथ में किचन के लिए, किचन में चलना पड़ेगा, तो चलिए फिर किचन में चलते कपकेक्स का प्रीमिक्स बनाने के लिए। ठीक है, चलिए एक अच्छे से क्लीन बोल ले लेंगे, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो ये मैं एक कप मैदा ले रही हूँ, यानी ये 250 ml का कप है। तो एक कप मैदे में मैं डालूँगी, ये देखिए ये 125 ml का कप है, तो ये एक कप में चीनी डाली और ये मैंने 85 ml चीनी और डाल दी मैंने। ये 1/4 कप है, तो 1/4 कप मैंने मिल्क पाउडर डाला है, और ये 1 teaspoon मैंने डाला है बेकिंग पाउडर, और ये मैंने एक पिंच मैंने डाला है बेकिंग सोडा, और ये एक चुटकी मैंने इसमें नमक डाल दिया है, जो नॉर्मल अपना नमक होता है ना वो वाला। और अब मैं चॉकलेट का बना रही हूँ ना, तो इसीलिए मैं इसमें 2 spoon कोको पाउडर डालूँगी। 2 spoon मैं इसलिए डालूँ ना ताकि एक अच्छा डार्क कलर आता है हमारे चॉकलेट, जो भी हम कपकेक्स बनाते हैं या केक बनाते हैं, कलर अच्छा डार्क आता है उसका। तो बस अब इसे अच्छे से मैं पूरा छान लूँगी। प्रीमिक्स रेडी हो गया है, कितना इजी था ना। तो अब मैंने इसे एक ड्राई कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर है ये, तो इसमें मैं बाहर ही स्टोर करूँगी, यानी मैं फ्रिज में स्टोर नहीं करूँगी इसे। तो बाहर ये ना आराम से 1 महीने तक आप स्टोर कर सकते हो, हालांकि मेरा तो इतना एक दो चार दिन में ही ये शायद ख़त्म हो जाएगा। और फिर अगर आपको फ्रिज में स्टोर करना है ना, तो आप इसे आराम से 2 महीने 3 महीने तक भी स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाहर आप आराम से 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो। और जब आपको बनाना हो ना, 3 spoon इसमें ऑयल डाल दीजिए, और आप 3 spoon जितना ही दही ले लीजिए, वेनिला एसेंस डाल के दूध के साथ में बैटर बना दीजिए। बना दिया प्रीमिक्स, तो कैसा लगा आपका मेरा ये प्रीमिक्स बनाने का तरीका? अगर आपको अच्छा लगता है, या इसमें आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करना है मुझे, या और भी कोई दूसरे कंटेंट पे मुझे काम करना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, पसंद आ रहे हो थोड़े सा भी, तो उसके लिए एक लाइक बटन ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री कृष्ण। मैंने कहा ना ऑर्डर का कोई भरोसा नहीं, मुझे नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में एक ऑर्डर डिलीवर करना था, तो बस मैंने फटाफट से उसी मिक्सचर से बना दिया है।
प्रीमिक्स मैंने एक दिन पहले बनाया था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का मैं आपको वीडियो बता रही हूँ। और फिर इस पे ना मैंने इस पे ग्रेटेड चॉकलेट स्प्रिंकल कर दिए, और ये वाले जो स्प्रिंकलर थे मेरे पास में, उससे मैंने पूरा कपकेक को डेकोरेट कर दिया है। तो देखिए कितना माउथ वाटरिंग लग रहा है ना, देख के इसे मन हो जा रहा है कि उठा के खा जाए। तो ये कपकेक्स के पैकिंग है मेरे पास में, इसमें मैंने अच्छे से पैक कर दिया इसे। तो अभी ना वो आएगी डिलीवरी लेने के लिए, तो अब मैं उसे दे दूँगी।